पास में, समझ क्या आपका रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए क्रॉस बी का सबसेट, सबसेट जानते हो सबसेट क्या होता है, सेट का पार्ट, सबसेट समझे, दिल्ली सबसेट ऑफ इंडिया, दिल्ली इंडिया का, तो सबसेट क्या होगा, एक बड़ा सेट रहेगा उसका पार्ट, उसके कुछ एलिमेंट्स लेके सेट बना दिया तो उसका सबसेट है, समझे। तो रिलेशन इज, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन, फंक्शन भी और इजी, बहुत फंक्शन तो और भी ज्यादा इजी है, ठीक है। फंक्शन जो होता है ना वो टाइप ऑफ रिलेशन ही होता है, फंक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ रिलेशन ही होता है ना, ऐसे रिलेशन जो फंक्शन पे हो तो ऐसे उधर ही फंक्शन हो जाता है ना। बहुत सारे रिलेशन हमारे लाइफ में होते हैं पर सारे रिलेशन काम नहीं करते ना, तो जो रिलेशन काम करेंगे ना वो फंक्शन हो जाएगा। और कैसे पता चलेगा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो ध्यान से, जैसे दो सेट है, ए एक सेट ले लिया 1, 2, 3 और बी एक सेट ले लिया, कुछ भी ले लेते हैं, a, b ले लेते हैं, a, b, ठीक है। तो a इंटू बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, a इंटू बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 6 एलिमेंट आएंगे, क्या आएंगे, 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b आएंगे, ठीक है। अब मैंने एक रिलेशन लिया, ध्यान से समझना, एक रिलेशन ले लिया 1, a, 1, b, ये रिलेशन है कि नहीं है, इस दिस आर रिलेशन को R, S, T, R1, R2 किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते, तो क्या ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, क्यों है, क्योंकि ये सबसेट है, किसका सबसेट है, A क्रॉस B का, कैसे, क्योंकि ए क्रॉस बी में क्या क्या रहा होगा, 1a 1b, मतलब तुम्हें ये सोचना है कि ये सबसेट है कि नहीं ए क्रॉस बी का, तो कैसे सोचोगे, ये दोनों एलिमेंट ए क्रॉस बी में रहा होगा कि नहीं रहा होगा, तो रहा होगा, जब ए क्रॉस बी करेंगे उसमें ये रहा होगा, ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो ये रिलेशन है, अब देखो फंक्शन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, उसमें क्या स्पेशलिटी होती है, वो ये होती है कि अगर हम फंक्शन की बात करें फ्रॉम ए टू बी, तो ए के हर एक एलिमेंट का बी में इमेज होना चाहिए और एक ही इमेज होना चाहिए, ए के हर एक एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज होना चाहिए, एक ही इमेज मतलब यूनिक इमेज होना चाहिए, जैसे मान लो इस रिलेशन में 1 के कितने इमेज है, 2 इमेज, 1 का एक इमेज है ए और एक इमेज है बी, फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं, फंक्शन एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, समझे। जैसे अगर आप फंक्शन की बात करें फ्रॉम ए टू बी, हम फंक्शन की बात कर रहे हैं ए टू बी, तो ए के हर एक एलिमेंट का बी के साथ यूनिक इमेज होना चाहिए, यूनिक मतलब एक ही, मतलब ए का एक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो सकता है, समझ गए। और एक और चीज, ए का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, जैसे मैं एक और लिख रहा हूं 1, a 2, a 2, b and 3, a, ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, है? क्यों है फंक्शन, कोई रिलेशन फंक्शन कब होगा, जब ए के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, दो चीज का ध्यान रखना है, इसको भी कॉस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको दो कंडीशन मान लेते हैं, देखिए लाइन में समझ में नहीं आता है तो हम ऐसे सोचेंगे, फंक्शन चेक करने के लिए दो कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि अगर हम फंक्शन की बात कर रहे हैं ए टू, वो भी डिपेंड करेगा कि कहां से कहां फंक्शन बना रहे हो, ए टू बी बना रहे हो कि बी टू ए बना रहे हो, अगर हम फंक्शन की बात करें ए टू बी, तो पहला कंडीशन है कि ए के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए,
ए में कितने एलिमेंट है? तीन एलिमेंट। वन का इमेज है, टू का इमेज है, थ्री का इमेज है, ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया, हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। तो वन का कितना इमेज है? एक ही है। टू का और तीन का, ये फंक्शन नंबर। तो रिलेशन से देखें क्या समझे, वो रिलेशन फंक्शन हो जाएगा जब क्या होगा। देखो समझ गए कैसे भी देख सकते समझे, पहले तो रिलेशन होना चाहिए ना। अब रिलेशन नहीं तो फंक्शन कहां से हो जाएगा? फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन जिसमें जो मैपिंग है, जो रिलेट करना एलिमेंट्स को, वो पार्टिकुलर तरीके से करना है। वो क्या है? ए के हर एक एलिमेंट का बी में क्या होना चाहिए? ना यूनिक इमेज होना चाहिए। इसको ना मैपिंग से भी समझ सकते हैं। ये सेट ए है ना, और ये सेट बी है। सेट ए में क्या क्या है? वन टू थ्री। और सेट बी में क्या है? ए बी। तो वन को किससे कनेक्ट किया था मैंने? ए से। टू टू को बी से। थ्री को ए से। तो ये वही चीज है जो हमने पहले दिखा था ना, वन कॉमा ए, टू कॉमा बी, थ्री कॉमा ए। ये जो रिलेशन लिखा था ना, ये क्या है? सेट के फॉर्म में लिख दिया। सेट का भी कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। इसको क्या बोलते हैं? एरो डायग्राम। क्या बोलते हैं? एरो डायग्राम, या मैपिंग भी बोलते हैं इसे, या मैपिंग भी बोलते हैं। तो ये है कि नहीं है? ए टू बी फंक्शन है कि नहीं? दो क्राइटेरिया था। पहला क्राइटेरिया, ए का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब ए के हर एक एलिमेंट का कम से कम एक इमेज होना चाहिए। कम से कम नहीं, एग्जैक्टली एक ही होना चाहिए, समझे। वन का एक इमेज है, टू का भी एक ही इमेज है, थ्री का भी एक ही इमेज है, तो फंक्शन है। समझे? आप कुछ डाउट है आपका? पूछना चाह रहे क्योंकि ये तो बात, पहला कंडीशन तो ट्रू हो गया कि ए का भी इमेज है और बी का भी इमेज है। दूसरा कंडीशन फॉल्स हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था? इसके हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, लेकिन एक का दो इमेज आ गया, वन एंड थ्री। ये फंक्शन नहीं है। फ्रॉम समझे, फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन है, ठीक है। अब देखो इसका डेफिनेशन लिखाते हैं। फंक्शन क्या होता है? A relation from कोई भी दो सेट हो, सेट X ले रहा हूं, from set X to set Y ले लिया मैंने। A relation from set X to set Y is said to be a function. Set to be a function. Set to be a function. If लिखना मतलब सुनो, if every element of क्या, every element of set X has यूनिक इमेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इमेज इन सेट वाई। यहाँ पर दो कंडीशन है इसमें, क्या क्या कंडीशन है यहाँ पे? दो बात है। एक तो है ये एवरी एलिमेंट वाली बात, और दूसरा यूनिक इमेज वाली बात, समझे। तो दो कंडीशन चेक करेंगे। Every element of X
should have unique image in set Y. Samjhe? Tanishka, have you understood? Yes, sir. Good. Write it down. On. सेट को ना कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करता है, सेट को किससे रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल लेटर से। कोई आपका नंबर है ठीक है, आगे बैठो। समझ गए? अच्छा ये बताओ, तो एक एग्जांपल देता हूं मैं, ये एक्स है और ये वाई है, 1 2 3 एल इधर भी कुछ लेता हूँ, ए बी सी, ये फंक्शन है कि नहीं फ्रॉम एक्स टू वाई? बच्चे बोलते हैं सर एक ही कोर्स कनेक्ट करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो दो क्राइटेरिया था वो फुलफिल हो रहा है ना। पहला क्राइटेरिया क्या था? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स क्या होना चाहिए? इमेज होना चाहिए। तो वन का भी कुछ इमेज है, टू का भी कुछ इमेज है, थ्री का भी कुछ इमेज है, वन का कितना इमेज है? एक ही इमेज है। दो का कितना इमेज है? एक ही है। और थ्री का? हाँ यही है फंक्शन। अब ये फंक्शन है कि नहीं है? क्योंकि पहला कंडीशन तो सैटिस्फाई कर गया, एक वन का भी इमेज है, टू का भी इमेज है, थ्री का भी इमेज है, पर प्रॉब्लम कहां पे आ गई? वन का दो इमेज आ गया, समझ रहे हो? एक एक्स के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए, फंक्शन समझे? ये फंक्शन है कि नहीं है? एक्स टू वाई की बात कर रहा हूं, नहीं है। पहला कंडीशन यहाँ पे वायलेट हो गया। पहला कंडीशन क्या था? अगर हम एक्स टू वाई फंक्शन की बात करते हैं ना, तो एक्स के हर एक एलिमेंट का होना चाहिए इमेज, टू का कोई इमेज ही नहीं है। टू का कोई इमेज है इसमें? तब ये फंक्शन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ये फंक्शन नहीं है, समझे? अब है कि नहीं फंक्शन? वन का भी कुछ इमेज है, पहले तो पहले देखो वन एक्स के सारे एलिमेंट कनेक्टेड है, हाँ है। फिर दूसरा पॉइंट क्या चेक करो, वन का एक ही इमेज है, हाँ एक ही इमेज है, टू का कितना इमेज है? एक ही इमेज है, और थ्री का भी एक ही इमेज है। समझ गए? ये फंक्शन है। अच्छा अब है कि नहीं फंक्शन बता दो, अभी भी फंक्शन उधर कुछ खाली हो हमें उससे क्या मतलब है? जो दो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए बस, बाकी कुछ भी हो सकता है, बाकी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमें दो ही चीज चेक करना है कि भैया एक्स के हर एक एलिमेंट का
इमेज होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, यूनिक इमेज होना चाहिए एक्स के हर एक एलिमेंट का। क्लियर, समझ गए? ये फंक्शन है। अब देखो, ये जो सेट एक्स होता है ना, इसको बोलते हैं डोमेन। ये भी कोई एग्जांपल भी लिख लो, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे नोट में। द सेट एक्स इज कॉल्ड, अगर हम फंक्शन की बात करें, फ्रॉम एक्स टू वाई, यहां पे लिखा भी है फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है। सेट एक्स इज कॉल्ड, समझे? दूसरा, द सेट वाई इज कॉल्ड, हाँ जो उसमें था रिलेशन में था, सेट वाई को क्या बोलते हैं? नहीं, को डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को डोमेन। तो फिर रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है बताओ? सर ए और बी ना, रेंज क्या होता बताओ? हाँ, क्या होता रेंज? एलिमेंट देने में आपने एक जिससे कनेक्टेड है बता रहे हैं, क्या सेट वाई तो कोडो में ना भाई, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस नहीं है, सेट है ये, पी और क्यू भी मान सकते हैं इसको। तो रेंज क्या है, वही तो पूछ रहे हैं। उसको क्या बोलेंगे? रेंजेस, सेट ऑफ, किसका सेट है ये? इमेज का सेट है, जो इमेज बना है, सेट ऑफ इसका रेंज क्या आएगा? ए कॉमा बी आएगा सर, जो इमेज बना है। तो रेंज बड़ा है कि कोडोमेन? इक्वल भी हो सकता है, रेंज और कोडोमेन इक्वल भी हो सकता है। जैसे कि आप सी को मिटा देना अगर, तो रेंज और कोडोमेन क्या है? इक्वल है। तो जो इमेज बना है ना, उसी उसी के सेट को रेंज बोल रहे हैं, समझा? लिखो तो, रेंज इज सेट ऑफ इमेजेस। क्या हुआ सर? सारे क्वेश्चन हो गए, क्या समझे? फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, समझना है? लिख लिया सर पक्का? अब एनसीईआरटी लाओ सब, अच्छा देखो तो 2.3 निकालो तो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी
2.3. Well, which of the following relation or function give reason if it is a function determine its domain and radius? So try karo the circle. 2.3. The first question, the third part, first part, second part, and third part. नहीं वो तो मैपिंग करने के लिए कहां बोला उसको, तो बस चेक आपको उसने फंक्शन दिया किस फॉर्म में दिया, सेट के फॉर्म में दिया है, सेट में भी रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, बस आपको चेक करना है कि वो फंक्शन है कि नहीं। कैसे चेक करना है? जो फंक्शन का डेफिनेशन है उसको अप्लाई करके देखना है कि वो सैटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। चलो मैं लिख देता हूँ, पहला पहला पार्ट है इसका 2.1, 5.1, 8.1, 11.1, 14.1, 17.1। आपको बताना है कि फंक्शन है कि हाँ, लिखा था गिव रीजन, रीजन किसका देना है, रीजन किस चीज का देना है, और क्वेश्चन है आपसे बोला विच द फॉलोइंग रिलेशन इन आर फंक्शन गिव रीजन, कौन सा रिलेशन इसमें से फंक्शन है, रीजन बताओ। इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। इसमें और भी एलिमेंट है, हम नीचे लिख देता हूं, बताओ पहला वाला फंक्शन है कि नहीं है, क्यों है फंक्शन ये देखोगे। हाँ, 2 का एक ही इमेज है, 2 का और कोई इमेज है क्या, नहीं, 5 का भी एक ही इमेज है, 8 का भी एक ही इमेज है, 11 का भी एक ही इमेज है, 14 का भी एक ही इमेज है, 17 का भी एक ही इमेज है, तो फंक्शन है ये। तो पहले पहले पार्ट का आंसर क्या होगा, यस इट इज, इट्स अ फंक्शन because every element has unique events. हम इसका बोला डोमेन भी लिखने के लिए, डोमेन क्या होगा इसका बताओ, जो पहला एलिमेंट होता है, जो पहला एलिमेंट होता है ना ऑर्डर पेयर में, वो क्या होता है डोमेन, क्या आएगा 2.5.8.11.14.17। रेंज क्या आएगा भैया, रेंज में एक एलिमेंट होगा, और को डोमेन नहीं बता सकते यहाँ पे, समझे, को डोमेन ना वो दिया रहा था सेट ए टू बी तब बताता था, है ना, ठीक है। दूसरा वाला है कि नहीं फंक्शन है, ये लिख लिया, इसका आंसर लिख लिया पहले वाले का, दूसरे वाले का भी आंसर इसमें लगा रहे हैं, बस डोमेन और रेंज अलग अलग हो जाएगा, नहीं, ये सीरीज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सिस्टम, सिंस एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। अच्छा पता है इसको क्या बोलते हैं, पता है, ये तो इमेज है, इसको क्या बोलते हैं पहले वाले एलिमेंट, प्री इमेज, क्या बोलते हैं, मतलब जो डोमेन के एलिमेंट्स है वो प्री इमेज है, और जो रेंज के एलिमेंट है वो इमेजेस है, ठीक है,
इसका डोमेन क्या हो जाएगा फिर दूसरे वाले का बताओ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और रेंज क्या है बच्चे? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, समझे? लिख लो, लिख लिया। अच्छा अब तीसरा वाला फंक्शन है कि नहीं है? तो तीसरा वाला आंसर क्या होगा? नॉट अ फंक्शन। रीजन क्या लिखोगे? सिंस वन हैज टू इमेजेस, थ्री एंड फाइव, इसके फंक्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री करने वाले, ठीक है? अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x-5, एफ ऑफ जीरो कितना होगा बताओ दादा? एफ ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे? एक्स को जीरो यहाँ पर डाला ना, तो वहां पे एक्स को जगह जीरो डाल देंगे, जीरो इंटू टू जीरो माइनस फाइव माइनस फाइव। एफ ऑफ सेवन क्या होगा? नाइन, मतलब एक्स को सेवन डालोगे, सेवन टू फोर्टीन माइनस फाइव नाइन। तीसरा पार्ट आपसे पूछा है एफ ऑफ माइनस थ्री, तो एक्स की जगह माइनस थ्री डालोगे, वहां पे एक्स का माइनस थ्री, माइनस थ्री इंटू टू माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस थ्री, समथिंग। अब इसके बाद कर ले क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है? और क्या करना? क्वेश्चन नंबर फोर है द फंक्शन टी विच मैप टेम्परेचर इन सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन फारेनहाइट इज डिफाइंड दैट टी ऑफ सी, जैसा दिया हुआ है 9 × C/5 + 32। यहाँ पे सी क्या है? टेम्परेचर इन सेल्सियस, और फारेनहाइट कौन सा है? टी ऑफ सी जो है, मतलब जैसे मैं बोलूं, जैसे सी की वैल्यू कुछ डाल के जो आंसर आएगा ना वो फारेनहाइट होगा, मतलब सी की वैल्यू डोमेन है और जो फंक्शन की वैल्यू आएगी ना वो फारेनहाइट है। तो पहला पार्ट पूछा है इसमें एफ नॉट, सॉरी टी नॉट, टी ऑफ जीरो कितना होगा? मतलब जीरो डिग्री सेल्सियस, जीरो डिग्री सेल्सियस इज हाउ मेनी फारेनहाइट? 32 डिग्री। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा सर फिजिक्स में, क्या थर्टी टू फारेनहाइट है। दूसरा है टी ऑफ 28 डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे सी की जगह 28 डाल दो आंसर आ जाएगा, कितना आएगा मतलब? ये ऐसे बता दो 9 × 28/5 + 32, इसको इनटू क्या लगता है? 252, 5 × 5, तुम्हारा कहां से गलत है वो क्या आ गया? 50.4 आएगा। समझ रहे? डिवाइड करने आता है। हाँ जी। 252 को 5 से डिवाइड करोगे ना, 5 5 = 25, तो कट गया।
टू को उतारोगे लेकिन टू तो फाइव से नहीं जाएगा ना, यहाँ पर पहले जीरो आएगा, फिर पॉइंट डालेंगे, फिर जीरो करेंगे, 50.4 हो जाएगा, प्लस 32 कितना आ जाएगा, 82.4 फारेनहाइट। थर्ड पार्ट क्या है बताओ, टी ऑफ माइनस टेन डिग्री सेल्सियस कितने फारेनहाइट के इक्वल है, 9 × −10/5 + 32 ये तो 2 टाइम्स कर जाएगा 10, तो −18 + 32 14 फारेनहाइट का है। देखिए और इसका फोर्थ पार्ट भी है, ये फॉर्मूला था टी ऑफ सी क्या है, टेम्परेचर इन फारेनहाइट है, और ये टेम्परेचर डिपेंड करेगा सेल्सियस टेम्परेचर, और इसका फॉर्मूला दिया है 9/5 × C + 32। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ सी, द वैल्यू ऑफ सी when T of C is how much? 212। मतलब जब फारेनहाइट में टेम्परेचर कितना हो जाएगा 212, तो सेल्सियस में क्या होगा, समझे? तो इसका क्या दे रखा आपको, फारेनहाइट दे रखा, मतलब इसकी जगह T of C की जगह क्या डालोगे इसमें, 212 9/5 × 10। जीरो ये 18 तो 9/5 आ गया, 9 से कट जाएगा 20, सी 100 आ रहा है यार, 100 आ गया, सो 100 डिग्री सेल्सियस इज 212 फारेनहाइट, समझ गए। एक और क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन ये है, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो सेल्सियस में और फारेनहाइट में सेम वैल्यू है उसकी, मतलब ऐसा कोई टेम्परेचर है जैसे 10 °, 5 °, −5 °, ऐसा कोई वैल्यू है टेम्परेचर का जो सेल्सियस में भी और फारेनहाइट में भी सेम है, नहीं नहीं यहीं से निकालो, निकाल के देखो। फिफ्थ पार्ट क्या है इसका, फाइंड टेम्परेचर, फाइंड टेम्परेचर विच इज सेम इन फारेनहाइट एंड सेल्सियस, मतलब ऐसा टेम्परेचर है 0 °, सर 0 °, नहीं 0 °, सेल्सियस तो 32 फारेनहाइट हो जाएगा, 0 °, सेल्सियस इज 32 फारेनहाइट, क्या? अरे भाई 217 डालोगे तो बहुत ज्यादा अलग ही आ जाएगा, तो स्टेप फारेनहाइट में ऐसा एक टेम्परेचर बताओ जो डिग्री में और फारेनहाइट में सेम, एक ही ऐसा टेम्परेचर वो इस इक्वेशन से निकल जाएगा, और ये क्वेश्चन क्लास 9 का मैं पूछ रहा हूं, क्लास 9 में एक चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें भी वहां पे रिलेशन दिया हुआ है सर, -40 डिग्री, ये क्लास 9 का क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, 9 का अपना पैसे देके पास हुए आप लोग करते हैं, हां
फिर नहीं पास करते माइनस 40 होगा। देखो मतलब ये क्या फारेनहाइट है ना, ये क्या है फारेनहाइट। तो मान लो वो टेम्परेचर फारेनहाइट में एक्स है और सेल्सियस में भी क्या है एक्स है, बस एक्स की वैल्यू निकाल लो भाई। मैंने हमने मान लिया हमें वो टेम्परेचर नहीं पता, बस हीट एंड ट्रायल से करेंगे सी की वैल्यू डाल डाल के एफ निकालेंगे तो पता है बहुत टाइम बच जाएगा। हमने मान लिया वो टेम्परेचर एक्स है, फारेनहाइट में भी एक्स है और सेल्सियस में भी एक्स है, हम फिर इसको सॉल्व करके एक्स निकल जाएगा वो टेम्परेचर, समझा? पता सॉल्व कर दो, करो इसको, इसको इधर ले आओ, एक्स माइनस 9/4 5 एक्स इक्वल टू 32 तो माइनस 4x/5 इक्वल टू 32 तो एक्स इक्वल टू कितना जाएगा 4 से काट दो इसको 8 माइनस 40 अब इसमें माइनस 40 डालोगे ना सी की जगह तो एफ भी माइनस 40 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे एफ सी की जगह क्या डालोगे माइनस 40 डिग्री है ना। एक ऐसा टेम्परेचर है जो सेल्सियस का फारेनहाइट में भी सेम है, समझ गए? एक और क्वेश्चन पूछ लो। अच्छा ये बताओ ऐसा एक रूपी है जो डॉलर में और रुपीज में सेम है, यूनाइटेड यूएसडी डॉलर और इंडियन रुपीज INR में सेम है, ऐसा कौन सा अमाउंट है? उससे कोई जरूरत ही नहीं है, जीरो है, जीरो डॉलर को रुपीज में चेंज करोगे तो जीरो ही रुपीज मिलेंगे, नहीं चाहे किसी भी करेंसी में चेंज करो जीरो ही रहेगा वो। ठीक है समझ गए? अब हम पढ़ेंगे डोमेन और रेंज निकालना, किसका फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अच्छा उसमें मॉडुलस फंक्शन दिए, चलो 2 नहीं करते या पहले वो टाइप्स ऑफ फंक्शन ही पढ़ा दो क्या, फिर बाद में सारा कर सकते, चलो पहले वही पढ़ा देता फिर डोमेन और रेंज बनाएंगे। अब है टाइप्स ऑफ फंक्शन, क्या टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12वीं में दोबारा से आएगा, कोई डाउट हो ना पूछ लेना दोबारा समझा देंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन ना बोल के सम बेसिक फंक्शन, फंक्शन तो इनफाइनाइट टाइप का होता है, कुछ बेसिक फंक्शन है जो काफी ज्यादा यूज होते हैं उसको पढ़ेंगे। सम बेसिक फंक्शंस, पहला फंक्शन क्या ले लो, पहला फंक्शन लेता हूं पॉलीनोमियल फंक्शन, पॉलीनोमियल फंक्शन जैसे एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पॉलीनोमियल है कि नहीं है, क्यों है पॉलीनोमियल? अच्छा पावर 3 हो जाएगा तो पॉलीनोमियल नहीं रहेगा, तो क्या होता पॉलीनोमियल, कैसे पहचानना कि पॉलीनोमियल फंक्शन है कि नहीं? टू एक्स की पॉलीनोमियल नहीं है क्या? हाँ बताओ सर। वो टर्म जो कोएफिशिएंट और वेरिएबल के टर्म में कोएफिशिएंट और वेरिएबल के टर्म में लिख दिया, तो जैसे ये लिख दिया प्लस एक्स की पावर हाफ लिख दिया, इसकी पावर 3/2 कर दिया, अब ये पॉलीनोमियल है क्या? नहीं है पॉलीनोमियल। अब बताओ क्या होता है पॉलीनोमियल, चलो माइनस 2 कर दिया, अब है कुछ नहीं है। अच्छा तीन या चार नहीं, वो तो अलग है, इसमें तो एक ही टर्म है,
ये रियल नंबर है या माइनस होल नंबर होने चाहिए, जीरो भी हो सकता है। पॉलीनोमियल क्या होता है? पॉलीनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप जो बता रहे हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट आपस में मल्टी इनटू प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है ना, वैसे हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फंक्शन नहीं होता है, सॉरी पॉलीनोमियल नहीं होता है। वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, फोर नंबर, जीरो भी हो सकता है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू टू, ये कांस्टेंट पॉलीनोमियल है। क्या ये कांस्टेंट पॉलीनोमियल है? इसकी डिग्री क्या है? फिर डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल भी होता है, जीरो डिग्री है। क्यों है जीरो डिग्री? इसको ऐसे टू इंटू एक्स के पास जीरो लिख सकते हैं। इसका डिग्री क्या हो गया? जो एक्स स्क्वायर लिखा था ये पॉलीनोमियल है कि नहीं है? इसका डिग्री क्या है? ये तो होल नंबर थोड़े ना फ्रैक्शन। होल नंबर जानते हो क्या होता है? नेक्स्ट होल नंबर एंड ये नहीं बोला मैं, 0.5 तो जीरो के बाद आता है, पर वो तो नहीं है ना। होल नंबर होता है जीरो टुगेदर विथ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ये मत बोलना कि जो कि वन से स्टार्ट होता है, वन के बाद तो 1.5 भी आता है, लेकिन काउंटिंग नंबर्स को बोलते हैं क्या? काउंटिंग की बात करें तो वन के बाद टू आएगा, टू के बाद थ्री है, सो ऑन। तो जीरो एंड नेचुरल नंबर होल नंबर हो। जो भी वेरिएबल है ना उसका पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीनोमियल। तो एक्स स्क्वायर क्या है? पॉलीनोमियल फंक्शन है, ठीक है। इसको कुछ और ऐड भी कर देंगे, 3x+7 अभी भी पॉलीनोमियल फंक्शन है। एक कौन सा पॉलीनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। लेकिन इजी करने के लिए इतना ही रखा है, बस एक्स स्क्वायर आ गया। ये क्या है? पॉलीनोमियल फंक्शन है, ठीक है। अब देखो दो चीज होती है इसमें, एक होता है डोमेन और एक होता है रेंज। तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है किस फॉर्मेट में दिया हुआ है? मैपिंग में दिया हुआ है कि सेट के फॉर्म में दिया हुआ है? हाँ, किसी के फॉर्म में दिया हुआ है। ये इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। फंक्शन कैसे दिया हुआ है? इक्वेशन के फॉर्म। जैसे रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? एरो डायग्राम से, सेट के फॉर्म में, ग्राफ से भी करते थे, है ना। वैसे ही इक्वेशन से भी तो रिलेशन को कर सकते हैं। कुछ रिलेशन देखे थे इक्वेशन के फॉर्मेट में थे, इससे क्लास में क्वेश्चन नहीं किए थे। हाँ, तो फंक्शन को इक्वेशन से भी कर सकते हैं। फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया 2.3 का, वो किसमें था? सेट के फॉर्म में दिया हुआ था। मैपिंग से भी, जो एरो डायग्राम होता है उससे भी कर सकते हैं, ग्राफ से भी कर सकते हैं, और इक्वेशन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, समझ गए। तो डोमेन का मतलब क्या हुआ? किसकी वैल्यू? एक्स की वैल्यू की एफ एक्स की वैल्यू। ये जो फंक्शन है किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है, मतलब ये एक्स पर डिपेंड करता है। तो एक्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स को क्या बोलते हैं यहाँ पे? इंडिपेंडेंट। एक्स अपनी मर्जी से कुछ रखते चले जाओ, और जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। चलो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को छोड़ दो। हाँ, ये बता रहा है ये एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है? एक्स, समझे। ये फंक्शन किसका? ये एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन। इसलिए उसको एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, समझे। इसमें जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है? डोमेन। और रेंज किसकी वैल्यू होगी? जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी उस एक्स पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी। जैसे एफ ऑफ 3 कितना होगा?
नाइन, तो इसमें डोमेन की कौन सा है? और रेंज नाइन, मतलब एक्स की जगह थ्री डाला तो फंक्शन की वैल्यू क्या ही है? नाइन। तो वो क्या है उसका? रेंज। समझा? तो डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू और रेंज का मतलब होता है एफ एक्स की वैल्यू। समझे? रेंज, रेंज क्या होता है? अब एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी, एफ ऑफ थ्री जो था, एफ ऑफ थ्री कितना आया था? एफ ऑफ थ्री कितना आया था? नाइन है रेंज, मतलब एफ ऑफ थ्री की जो वैल्यू होगी। समझे? मतलब एफ एक्स, मतलब ये एफ एक्स की वैल्यू तो है, एक्स की जगह थ्री डाल दिया बस, वही बात है। एक्स स्क्वायर को भी रेंज बोल सकते, क्योंकि एक्स स्क्वायर ही तो फंक्शन है। ये फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू मतलब क्या है? एफ एक्स क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर ही तो है, तो जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वही फंक्शन की वैल्यू है, क्योंकि फंक्शन एक्स स्क्वायर ही तो है। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर। सही बात है, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या है? पता नहीं, भगवान जाने क्या हो क्या बोल रहा है, पता नहीं। ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो, समझे? बहुत बेसिक चीज है, जितना समझाया ना उतना ही सुनो, और ऐसा सुनो ना कि दिमाग से निकल ना पाएगा। समझे? ज्यादा सोचने के चक्कर में ना बहुत ज्यादा डाउट पूछोगे ना, तो जो बेसिक चीज था ना वो भी दिमाग से निकल जाएगा। बी सिंपल, ठीक है ना? सिंपल तरीके से पढ़ना है, आपको सबको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा ना, उसका आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। बस ध्यान से सारा डेफिनेशन, सारा आंसर सुनना पड़ेगा आपको, कि ये क्या बस सर ने बताया था, ये क्या होता है। तो जो आपके मन में डाउट आ रहा है ना, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ। जैसे आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछते हो तो कैसे आंसर करते हैं? हम जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखते हैं और फिर उसके हिसाब से आंसर कर देते हैं। तो आप यही करो, सारा कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, क्या है कॉन्सेप्ट। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। समझे? तो क्या होता है डोमेन? क्या होता है? मतलब फंक्शन है। ऐसा नहीं कि एक्स की वैल्यू ही हमेशा होगा। जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया एफ ऑफ वाई इक्वल टू वाई की पावर थ्री, ये डोमेन क्या है? किसकी वैल्यू डोमेन है यहाँ पर? डोमेन क्या है यहाँ पर? वाई की वैल्यू। दो, ये जो फंक्शन है किसका फंक्शन है? वाई का फंक्शन। तो जो वाई की वैल्यू है ना वो क्या है? डोमेन। और रेंज क्या है? वाई क्यूब या एफ ऑफ वाई। समझ गए? जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख लिया वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज क्या होता है? फोर बाई थ्री पाई आर, है ना? ये जो वॉल्यूम है इसको ऐसे लिखा है, वॉल्यूम किसका फंक्शन है? फंक्शन ऑफ आर, रेडियस का फंक्शन, क्योंकि पाई तो कॉन्स्टेंट होता है, फोर बाई थ्री भी कॉन्स्टेंट है। तो वॉल्यूम किस, वॉल्यूम आप स्फीयर किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस पे। इसलिए ऐसे देखते वॉल्यूम किसका फंक्शन है? आर का फंक्शन। तो आर जो है ना भैया वो डोमेन है, और जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो इसको इनपुट बोलते हैं। इनपुट डालोगे तो आउटपुट आएगा। इनपुट डोमेन है, आउटपुट रेंज है। समझे? जैसे गन्ने का जूस का मशीन होता है, उसमें गन्ना डालते हैं तो क्या निकल जाता है? जूस निकल जाता है। तो गन्ना क्या है? इनपुट है, डोमेन है, और जूस समझे? तो फंक्शन भी एक मशीन होता है, वो गन्ने का जूस बनाता है और ये वॉल्यूम निकाल के देता है आपको। तो रेडियस दो आपको बता देगा कि ये स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो। नहीं, ये मशीन है। फंक्शन क्या होता है? मशीन। फंक्शन मतलब कुछ काम करता है। क्या काम करता है? ये वॉल्यूम निकालता है। इसको इनपुट क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। डोमेन दो, डोमेन क्या है? रेडियस की वैल्यू दो और ये आपको वॉल्यूम निकाल कर देगा, रेंज दे देगा। समझे? तो ये वॉल्यूम किसका फंक्शन है? आर का। तो इसमें आर क्या है? डोमेन। और जो वी की वैल्यू आएगी वो, आप वी की वैल्यू बोलो या बोलो ये पूरा 4/3 पाई आर की जो वैल्यू है, एक ही चीज ना, वो उसी को तो वी बोला, उसी को वी है बोला।
तो इस पूरे की जो वैल्यू होगी वो रेंज होगी, समझे? समझ रहा है डोमेन रेंज का क्या फटा होता है? एक और एग्जांपल देखिए सर, तो रेंज डोमेन पे डिपेंड करता है, राइट? हाँ बेटा। सर रेंज डोमेन पे डिपेंड करता है, राइट? तब रेंज किस पे डिपेंड करेगा? डोमेन पे, है ना? इनपुट पे डिपेंड करेगा कि रेंज क्या आएगा। रेंज किस पे डिपेंड करेगा? डोमेन पे डिपेंड करेगा, एग्जैक्टली। वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस पे। टैन एक्स फंक्शन, हां कौन tan x भी फंक्शन है, sin x भी फंक्शन है। sin x भी क्या है? फंक्शन, एक्सोनोमेट्रिक फंक्शन है। x एंगल डालते चले जाओ, y की वैल्यू निकलते चले जाएगी। देखो ये मैंने नहीं बोला x इज डोमेन, वो डिपेंड करता है आपने कैसे लिखा है। अगर आपने ऐसे लिखा है, आपने लिखा है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, जिसमें जो x की वैल्यू है वो डोमेन है, वो तो डिपेंड करता है। जैसे मैंने वॉल्यूम लिख दिया फंक्शन ऑफ r, तो r यहाँ पे डोमेन हो गया। और ये मत समझ गए क्या? समझे? फंक्शन में डोमेन रेंज का मतलब समझना है क्या होता है, ठीक है? तो जैसे मैंने ये फंक्शन लिया था fx इक्वल टू क्या लिया था? x स्क्वायर। ये भी एक मशीन ही है, एक्स स्क्वायर क्या करेगा? मतलब ये मान लो ये मशीन है, ये मशीन क्या है? एक्स स्क्वायर है। इसमें एक्स की वैल्यू डालोगे क्या है? वन। तो फंक्शन की वैल्यू क्या जाएगा? वन। टू डालोगे तो फोर, थ्री डालोगे तो नाइन। ये डोमेन है और ये रेंज। ये किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू। और ये किसकी वैल्यू है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, या फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन एक्स स्क्वायर ही तो है। तो जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो रेंज है, और एक्स की वैल्यू समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में बोलेगा डोमेन निकालो, तो आप एक्स की वैल्यू निकालो, रेंज निकालो तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालो, समझ गए? अच्छा एक और चीज हम बता दें, यहाँ पे जो हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं वो रियल फंक्शन पढ़ते हैं। ये क्या होता है? जिसका डोमेन और रेंज क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन का डोमेन इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता, पर हमारे कोर्स में नहीं है वो, कॉलेज में है वो। ऐसा भी कॉलेज में जाओगे ना तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, पर हमारे कोर्स में क्या है? रियल फंक्शन, मतलब उसका डोमेन और रेंज रियल नंबर ही डाल सकते हैं, ठीक है? तो ये बताओ, तो डोमेन निकालते समय हमें क्या निकालना होता है? एक्स की वैल्यू निकालना होता है। ये ध्यान में रखते हुए कि जो फंक्शन की वैल्यू आए ना वो क्या है? रियल है। अपनी मर्जी से हम कुछ भी एक्स नहीं डालेंगे, एक्स की वैल्यू क्या डालेंगे? वही एक्स की वैल्यू डालेंगे जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? रियल आएगी, और डिफाइंड भी आनी चाहिए। डिफाइंड मतलब समझ रहे हो, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है जरा बताओ, तो डोमेन बताओ क्या होगा? एक्स की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं? रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रखो आपको कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगा। एक्स आप कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं, समझे? डोमेन का मतलब कैसे निकालते हैं? अच्छा एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी समझो, अभी लिखना बाद में। एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स दे दिया मैंने, अब बताओ इसका डोमेन क्या है? रियल नंबर नहीं है डोमेन, कौन बताएगा? हम पहले बोले कि डोमेन और रेंज जो होगा रियल नंबर ही आएगा,
सर रियल नंबर्स विदाउट नेगेटिव रियल नंबर विदाउट द नेगेटिव लाइक इज अ नेगेटिव करोगे आर्यन राजा सही आंसर किया नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा इसका आंसर आपने होल नंबर बोला 1.5 भी डाल सकते नेगेटिव नहीं डाल सकते बस अगर एक्स को नेगेटिव डाल दोगे तो उसका रूट नहीं निकल जाएगा उसका रूट इमेजिनरी हो जाता है तो एक्स को क्या डाल सकते हो ऐसे लिख दी इसका जैसे डोमेन निकालने के लिए बोलेगा अभी लिखना मत अभी बस मैं डोमेन से ना बच्चे डोमेन लेन से बहुत डरते हैं तब कुछ नहीं होता ध्यान से समझो पहले लिखने की जरूरत नहीं बहुत क्वेश्चन करेंगे है ना पहले समझो होता क्या है तभी तो निकाल पाओगे डोमेन नहीं तो डोमेन निकालने का मतलब है एक्स की वैल्यू निकालना ताकि जो फंक्शन की वैल्यू रियल रहे एज वेल एज डिफाइंड भी रहे तो एक्स को क्या लेना पड़ेगा जीरो से बड़ा लेना पड़ेगा जीरो भी ले सकते हैं अगर एक्स को तुम जीरो डालोगे तो जीरो का रूट जीरो हो जाएगा जीरो से बड़ा कुछ भी डालोगे तो उसका रूट निकल जाएगा और रियल नंबर आएगा लेकिन जीरो से छोटा डालोगे ना उसका रूट इमेजिनरी आ जाएगा समझे समझ गए तो बताओ एफ एक्स इक्वल टू 1/x का डोमेन बताओ क्या होगा एफ एक्स इक्वल टू 1/x का डोमेन क्या होगा रियल नंबर नो सर रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो या एग्जैक्टली रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो देखो x को जीरो रखोगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा हम क्या बोले हम x की वैल्यू वही डालेंगे ताकि फंक्शन की वैल्यू रियल रहे एंड डिफाइंड भी रहे दो चीज का ध्यान रखना रहता है कि फंक्शन की वैल्यू रियल आनी चाहिए एज वेल एज डिफाइंड आनी चाहिए तो x यहाँ पे कुछ भी डालो कुछ ना कुछ फंक्शन की वैल्यू निकल जाएगी लेकिन जीरो डालोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा इसका रेंज क्या डोमेन क्या होगा इसका रेंज बाद में सीखेंगे रेंज भी निकालेंगे बाद में डोमेन क्या होगा रियल नंबर माइनस जीरो मतलब पूरे रियल नंबर में से जीरो को हटा के समझ गए पक्का अच्छा इसका डोमेन बताओ तो क्या होगा एक्स की डोमेन निकालना मतलब एक्स के वैल्यू सोचना है एक्स की वैल्यू सोचना है ताकि एक्स की वैल्यू हम डालें तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या रहनी चाहिए रियल रहनी चाहिए एज वेल एज डिफाइंड होनी चाहिए नो रियल नंबर्स एक्सेप्ट नेगेटिव नंबर्स हाँ सही बात है एक्स को जीरो से बड़ा कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं अरे बिल्कुल 0.1 नहीं रख सकते क्या तो फिर 0.1 का रूट नहीं होता है 0.1 का रूट क्या होगा निकल जाएगा ठीक है कोई भी रियल नंबर आ सकता है 0.112 इंफिनिटी के बीच आ जाएगा 0.11 से छोड़ो तो कोई भी पॉजिटिव नंबर आ सकता है आप समझ रहे हैं जीरो नहीं रखेंगे जीरो पे क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए समझ गए बहुत समझ गया बाबू ठीक है आपको डोमेन फंक्शन पता है सबसे डोमेन रेंज का फंडा क्या होता है डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू और रेंज मतलब फंक्शन की वैल्यू सर आप मेरे साथ जल्दी क्लास लिस्ट करने पड़ेगी हाँ बेटा तो मुझे थोड़ी क्लास लीव करनी पड़ेगी 10 मिनट पहले फिर से बोले एक बार तो मुझे क्लास लीव करनी पड़ेगी ना 10 मिनट पहले क्या बोल रहे हैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं सर मुझे क्लास लीव करनी पड़ेगी 10 मिनट पहले आज क्लास लीव करनी पड़ेगी 10 मिनट पहले क्यों सर स्कूल में इवेंट है उसके लिए प्रिपरेशन करनी है कौन सा इवेंट है सर क्लब्स का इवेंट है एनुअल फेस्ट शायद से करवाएंगे बाद में उसके लिए जो क्लब में सेलिब्रेट करते हैं पार्टिसिपेंट्स अंदर 10 मिनट पहले जाने से क्या हो जाएगा क्या सर 10 मिनट पहले जाने से क्या हो जाएगा सर एक्स्ट्रा थोड़ा करिकुलर होता है और तो कुछ नहीं
ठीक है, आप जा सकते हो। ओके थैंक यू सर। ओके नो प्रॉब्लम। समझ में कल? तो एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, ये एक काम करेंगे डोमेन रेंज पे रिसर्च कर डालते हैं सर, फिर ग्राफ वाला बाद में करेंगे, है ना? क्वेश्चन है आरडी से वाला है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है डोमेन रेंज, एनसीईआरटी बाद में कर लेना, हो ही जाएगा क्वेश्चन। ये करेंगे 3.3 करेंगे हम लोग, ठीक है 3.3। ये लोग 3.3 मत करो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, बहुत बढ़िया है। सुनो बस, बोलो मत, बस आप सुनो ध्यान से। तो सर फाइंड डोमेन ऑफ, मैं उसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करके दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो जो क्वेश्चन है वो आपके प्रैक्टिस के लिए रह जाए, इसके लिए उसी में थोड़ा बहुत चेंज करके दे रहा हूँ। बस डोमेन आगे हमसे सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसे देख के आंसर आ जाएगा। जीरो का रूट डिफाइंड है, जीरो का रूट क्या होगा, जीरो ही होगा।
हो जाएगा तो बताइएगा। डोमेन निकालने का मतलब एक्स की सारी वैल्यू निकालना ताकि फंक्शन की वैल्यू रियल रहे और डिफाइंड रहे। इतना ही सोचना रहता है और कुछ नहीं सोचना। आगे सब आंसर हो गया। गुड, आपका भी हो गया सर। जल्दी कंप्लीट करो फिर डिस्कस करेंगे तेजी से। बोलो हो गया। गुड, नहीं हुआ। हो गए सारे, हो गए। हो गया बेटा, एक्स की सारी वैल्यू निकाल ली, सारी पॉसिबल वैल्यू निकाल ली। हो गया। Let's discuss it. हाँ जी बताओ आर्यन, हो गया बेटा? हाँ सर हो गया। बताओ पहले का आंसर कौन बताएंगे? रे जो है आप बताओ। एनी रियल नंबर हाँ, तो इसका जो डोमेन होगा देखो
डोमेन निकालने का मतलब जो नहीं समझ में आए पूछो। देखो ध्यान से देखो एग्जाम में कैसे लिखो, एग्जाम में सीधा आंसर मत देना, सीबीएसई में जेई में लिख सकते डायरेक्ट। डोमेन निकालने का मतलब होता है, डोमेन निकालना मतलब एक्स की वैल्यू निकालना, ताकि जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या रहे, रियल एंड डिफाइंड। यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम में सीबीएसई कैसे लिखेंगे, फॉर लिखना मतलब सब लोग ध्यान से समझना, फॉर एफ एक्स टू बी रियल एंड डिफाइंड। तो रियल तो हमेशा ही रहेगा, क्यों, रियल कब नहीं होता, जब रूट आ जाता है, रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर रख दोगे तो इमेजिनरी आ जाएगा, तो रूट तो है ही नहीं। यहाँ पे एक चांस है नॉट डिफाइंड होने का चांस है, ये नॉट डिफाइंड हो सकता है, कब होगा नॉट डिफाइंड, जब ये जीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर, फॉर एफ एक्स टू बी रियल एंड डिफाइंड थ्री माइनस एक्स मस्ट नॉट बी जीरो। बाकी एक एक्स ऊपर कुछ भी रखो, एक्स कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ रियल नंबर ही आएगा, लेकिन और नीचे भी एक्स कुछ भी रखोगे रियल नंबर ही आएगा, लेकिन नीचे जीरो रख दोगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। एक्स को कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन वो नंबर मत रखो जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। तो फॉर एफ एक्स टू बी रियल एंड डिफाइन जो डिनोमिनेटर है थ्री माइनस एक्स मस्ट नॉट बी जीरो, देयरफॉर थ्री नॉट इक्वल टू एक्स। डोमेन क्या कहते हो, सो डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, ये आंसर ऐसे लिखा समझे, लिखो इसको ऐसे लिखो प्रॉपर तरीके से, है ना, ये भी लिखना, ये वो सीधा आंसर लिख दो तो नंबर नहीं देगा वो, तो ऐसे इसको एग्जाम में जेई में आंसर सही होना चाहिए बस, पर आपको स्कूल का भी तो ध्यान देना है। हाँ, जो हम सोचते हैं वही लिख देना है, हमने कैसे सोचा है, क्यों नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर जीरो, ताकि जो फंक्शन की वैल्यू है वो रियल रहे एंड डिफाइन रहे। किसका किसका आंसर सही हुआ था, रेजो है मैं देखा पूरा रियल नंबर लिखा था मेरे सामने देखा रखा है देखिए, और दूसरा पार्ट क्या था देखो ना ध्यान से, दूसरा पार्ट क्या बच्चे, दूसरा क्वेश्चन क्या था, एफ एक्स इक्वल टू आप देखो यहाँ पे रूट भी आ गया और डिनोमिनेटर भी आ गया, तो यहाँ पे दो चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, एक तो रूट का भी ख्याल रखना पड़ेगा, तो रूट रूट का ख्याल क्या कैसे रखोगे, रूट का ख्याल रूट के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और डिनोमिनेटर का ख्याल कैसे रखोगे, वो जीरो नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए और डिनोमिनेटर का भी जीरो नहीं होना चाहिए, समझे, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो नॉन रियल आ जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा, और डिनोमिनेटर जीरो आ गया तो अनडिफाइंड आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे फॉर एफ एक्स टू बी रियल एंड डिफाइंड, जो x माइनस फाइव है वो क्या होना चाहिए, जीरो इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं और कुछ बताओ, नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव हो जाएगा तो रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा तो इमेजिनरी आ जाएगा, दूसरी बात ये जीरो भी नहीं हो सकता, हालांकि रूट के अंदर जीरो हो सकता है लेकिन ये रूट डिनोमिनेटर में है ना, तो ये जीरो भी नहीं हो सकता, ये क्या होना चाहिए, जीरो से समझे, तो
एक्स माइनस फाइव जो है रूट के अंदर जो भी है दैट थिंग क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा। तो एक्स माइनस फाइव जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो एक्स को क्या होना चाहिए, एक्स को क्या सेट करोगे ताकि एक्स को क्या रखोगे सो दैट कि एक्स माइनस फाइव जीरो से बड़ा हो। तो एक्स को क्या रखो फाइव से बड़ा, रखो फाइव से बड़ा रखोगे और उसमें से माइनस करोगे फाइव तो जीरो से बड़ा ही रहेगा। तो डोमेन क्या आ गया, तो एक्स फाइव से बड़ा कुछ भी मतलब इंफिनिटी तक, डोमेन क्या हो गया फाइव टू ऐसे सेट कर इसमें लिखे इंटरवल में लिखे। ये कौन सा इंटरवल है, ओपन की क्लोज, ओपन इंटरवल है मतलब फाइव इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है इसमें, एक्सक्लूडेड है। जब ऐसे लिखते ना तो ये होता क्लोज इंटरवल मतलब फाइव भी इंक्लूडेड है। तो ओपन इंटरवल का मतलब है कि हमने फाइव भी नहीं लिया और इंफिनिटी भी नहीं लिया, उसके बीच सारा नंबर ले लिया। फाइव से कम नहीं ले सकते तुम, देखो अगर फोर रख दोगे तो माइनस वन हो जाएगा, फोर रखोगे तो क्या देगा फोर माइनस फाइव माइनस वन करोड़ इमेजिनरी है सर। यस पर वो फाइव की तो नहीं हो सकता बिकॉज़ फाइव माइनस फाइव की तो इक्वल टू क्वाइट, एक बार सुन लो जोर से बोलो बेटा, वो फाइव भी तो नहीं हो सकता ना बिकॉज फाइव माइनस फाइव तो जीरो आ जाएगी डेटा, दैट्स व्हाट आई से ना, फाइव नहीं लेंगे फाइव से बड़ा लेंगे तो क्लोज ब्रैकेट में ही आएगा फाइव। तो ओपन का मतलब है फाइव नहीं लेना है, क्लोज का मतलब ये हो जाएगा ना, क्लोज मतलब है कि फाइव भी इंक्लूड कर लिया आपने। हाँ जी ये क्लोज इंटरवल नहीं लिखेंगे, क्लोज इंटरवल का मतलब है कि ये भी फाइव इंक्लूडेड हो गया, फाइव नहीं लेना है तो ओपन इंटरवल सिंपल ऐसे वाला ब्रैकेट लगाएंगे। समझे बेटा? ओके सर। ये हो गया, कोई रूल नहीं होता, मैंने रूल कोई लगाया ही नहीं, ऐसे भेजा लगा था, कॉमन सेंस लगाया यहाँ पे। क्या लगाया कॉमन सेंस कि एक्स को मैं क्या रखूंगा ताकि ये चीज क्या हो जीरो से बड़ा हो, समझे? जैसे मान लो ऐसे मैं एग्जांपल देता हूँ, तुम महीने के एक लाख रुपए खर्च होते हैं तुम्हारे, मान 100,000 सारा एक्सपेंसेस है, तुम्हारी सैलरी मंथली कितनी रखी जाए ताकि आप कर्ज में डूब जाओ, एक लाख से ज्यादा रखनी पड़ेगी, वही है समझ। तो वैसे यहाँ पे तो एक्स में से फाइव माइनस करने के बाद पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक्स को फाइव से बड़ा रखना पड़ेगा, इनइक्वालिटी का जो रूल होता है, अभी मैं उसको टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कल, है ना, इनइक्वालिटी का रूल होता है सिखाएंगे, उस पर एक अलग चैप्टर ही हमारा, तो अभी हमने ऐसे बेसिक से सोचा है, हम बोले थोड़ा ना कि फाइव उधर चला गया, बोले ऐसा नहीं बोले, हम सीधा बोले तुम खुद ही सोच के बताओ कि एक्स को क्या रखोगे सो दैट कि एक्स माइनस फाइव क्या हो, इसको फाइव से ज्यादा रख दो ना, अभी उसमें से फाइव माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा जीरो से बड़ा ही आएगा, समझे? किसका किसका सही वाला है? नहीं देखो आधा सही आधा गलत नहीं होता है, सही मतलब पूरा सही, अगर 99% सही मतलब वो भी गलत ही है, समझे? लिखो इसको जल्दी, इसी फॉर्मेट में लिखना स्कूल के एग्जाम में, ठीक है? ध्यान से देखोगे ना दिमाग में छप जाएगा, कुछ नहीं है बस ध्यान से देखने की जरूरत है बस। लिखना और दिमाग में छापना है इसको, इसलिए मतलब बातें होते मत क्या करो, तो दिमाग में घुसेगा ही नहीं, समझ रहे हो? हाँ
टॉपर में और एवरेज बच्चे में क्या डिफरेंस होता है? एक ही डिफरेंस होता है, जो टॉपर बच्चे होते हैं ना वो जो पार्ट था सब उसको याद रहता है बस, इतना ही डिफरेंस होता है। और जो एवरेज नंबर लेके आता है ना वो भी सब पढ़ा होता है लेकिन उसको सब याद नहीं रहता है, इतना ही फर्क होता है। क्योंकि एग्जाम जिसको सारा याद है उसका नंबर पूरे देंगे, तो याद कब रहेगा? जब पूरा फोकस होते पढ़ोगे, रिवाइज करोगे प्रॉपरली टाइम टू टाइम, तभी तो याद रहेगा। बस इतना ही डिफरेंस होता है, कुछ नहीं, कोई भी टॉपर पढ़ सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि ध्यान से पढ़ना है और उसको ध्यान से पढ़ने पे याद अपने आप ही हो जाता है, समझ गए? याद करना ही सबसे टॉप, सॉरी हाँ, याद करना ही सबसे टॉप, अच्छे से पढ़ना है, मतलब अच्छे से पढ़ लिया ना, अच्छे से समझ लिया ना, तो याद हो ही जाता है। समझे? चलो थर्ड क्वेश्चन क्या बेटा? एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखो पहले देखो न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर को कुछ भी रखोगे, कुछ भी मतलब कोई भी रियल नंबर रखोगे तो क्या आएगा? कोई ना कोई फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? रियल ही आएगी। और नीचे नीचे एक्स कुछ भी रखोगे रियल ही रहेगी। बस ये देख लो कि नीचे जीरो तो नहीं बन रहा है कहीं, नीचे जीरो बनेगा कहीं? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा जीरो? ये जीरो तब बनता जब एक्स स्क्वायर माइनस वन होता, और एक्स स्क्वायर माइनस हो सकता है क्या? यहाँ पे उसको ऐसे लिखेंगे कि जो एज एक्स स्क्वायर क्या होगा, हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा और जीरो भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। And therefore, one plus x square क्या होगा हमेशा? Greater than equal to नहीं, one plus x square क्या होगा हमेशा? हाँ, one से बराबर। जब x square zero होगा, तो one plus zero one हो जाएगा। और ये जब zero से बड़ा होगा, तो one में add करेंगे, तो one से बड़ा हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर कभी जीरो भी नहीं बन रहा है, बल्कि वन से बड़ा ही है, वन है। तो देयरफॉर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा फिर? ऑल रियल नंबर। माइनस इनफिनिटी से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर का मतलब है माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी डालो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब फंक्शन की वैल्यू रियल भी आएगी और डिफाइन भी आएगी। ठीक है, बहुत इजी है। किसका किसका सही था? गुड, मिटा दो इसको। चलो चौथा पार्ट क्या बेटा? फोर्थ पार्ट क्या है? थ्री अपॉन टू। देखो ये जो न्यूमरेटर है वो तो एक्स पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, अब थ्री क्या है? रियल नंबर ही है और रूट भी नहीं है, तो ये इमेजिनरी भी नहीं आएगा। बस वो ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जीरो आ जाए, हमें दो चीज का ध्यान रखना है, रियल का और डिफाइंड होना चाहिए। तो रियल तो हमेशा ही होगा, रियल कब नहीं होता है? जब रूट आ जाता है ना। और अनडिफाइंड कब हो जाता है? जब नीचे कुछ रहता है। तो नीचे कुछ है तो उसको चेक करना पड़ेगा, ये ऐसा कोई जगह है जहां पे ये जीरो बन जाए? अब सुनो ध्यान से, फॉर एफ एक्स टू बी रियल एंड डिफाइंड, टू माइनस एक्स स्क्वायर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये जीरो कब होगा? जब एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा ना, तब टू माइनस टू जीरो हो जाएगा। तो मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू टू नहीं होनी चाहिए। और एक्स स्क्वायर टू कब होगा?
जब x को क्या रखोगे प्लस रूट टू रखोगे तो रूट टू का स्क्वायर टू आ जाएगा। अब माइनस रूट टू रखोगे ना, अगर माइनस रूट टू भी तो रियल नंबर है, माइनस रूट टू रखोगे तो माइनस रूट टू का स्क्वायर भी टू हो जाएगा। मतलब x जो है रूट टू नहीं होना चाहिए और माइनस रूट टू भी नहीं होना चाहिए, समझे? सो डोमेन इज क्या है, डोमेन आर माइनस प्लस माइनस फोर, सही था? वो बहुत बड़ी है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। जेई में तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तुम इंटरवल से ऐसे कर दोगे ना, दोनों ऐसे वाला भी दिया जाएगा आंसर, ऐसा भी दिया जाएगा, नंबर भी सेम लिखा रहेगा। आपको एक एक चीज बहुत 100% सोचना पड़ेगा और इसके लिए कुछ अलग काम नहीं करना है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्वेश्चन पर आना चाहिए। यानी कि आधा दिमाग क्वेश्चन कर रहे हैं और आधा दिमाग में गर्लफ्रेंड को सोच रहे हैं, खत्म नहीं होगा ये, फुल दिमाग से क्वेश्चन सोचना पड़ेगा, है ना? तो फिर आप सारा कुछ ध्यान से आपको दिखेगा कि भैया माइनस रूट टू भी तो नहीं रख सकते, माइनस रूट टू का स्क्वायर भी तो टू ही होता है ना? इसका डोमेन कैसे निकालेंगे? ये एक लाइन ना चेप देना आराम से, ये बहुत इंप्रेशन आपका बना देगा इस स्कूल में। फॉर एफ एक्स टू बी एंड डिफाइन, लेकिन सिर्फ लाइन चेपने से नहीं होगा, आंसर भी सही होना चाहिए। तो अभी ये लाइन का मतलब है, अगर आंसर कर लो बगैर इस लाइन का कोई यूज नहीं है। फॉर एफ एक्स टू बी रियल एंड डिफाइन क्या नहीं होना चाहिए? मतलब एक्स क्या नहीं होना चाहिए, डोमेन क्या आ जाएगा? All real number except ये तो लिख ही दिया ना, उसको सेंटेंस में क्या लिखना है? समझ गए, लिख लिया। सिक्स क्वेश्चन क्या बताओ तुम? एफ एक्स इक्वल टू फोर माइनस एक्स अपॉन, तो क्या होगा? फॉर एफ एक्स टू बी रियल एंड डिफाइंड क्या होना चाहिए बताओ? एक्स माइनस फोर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स क्या नहीं होना चाहिए? तो डोमेन क्या आ गया इसका? फिर डोमेन आ गया रियल नंबर में से फोर को हटाया, गलत एक्सेप्ट जीरो लिखा हुआ, समझे? ओके सर, एक और क्वेश्चन कराएंगे। इसको समझ में आ रहा है? फंक्शन तो बहुत इंटरेस्टिंग है, फंक्शन स्ट्रांग हो जाएगा ना आपका, पूरा कैलकुलस स्ट्रांग हो जाएगा। सो मुझे लास्ट क्वेश्चन में डाउट था, आप एक बार फिर से लिख सकते हो क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन? हां, सो 4 माइनस x और x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4, हम बताइए क्या राउंड अबाउट। अगर आप x को अगर 4 रखोगे तो क्या है? ऊपर भी मैं बात करता हूँ, बताओ क्या बोलना चाह रहा है? मैं देखना, गलत भी हो सकता है ऐसे। ये बोलना चाह रहा है देखना गलत है कि सही है, जिसे माइनस कॉमन है क्या जाएगा? x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4,
ये तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा? यही कहना चाह रहे हो क्या? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा नहीं यार, नहीं सर, मैं बोला अगर आप x को डिनोमिनेटर में 4 रखोगे हाँ, सर तो ऊपर भी 4 रखना पड़ेगा राइट? हाँ तो सर 0 बाय 0 सर 1 नहीं हो जाता है? हाँ अच्छा ये चलो दो बात, वो भी एक बात, ये ऐसा कर सकते हैं क्या, इसको काट सकते हैं क्या? रिलेशन में कर सकते हैं इसको, तभी काट सकते हो जब ये जीरो नहीं हो। हंसी बताओ, जीरो बाय जीरो कितना होगा? आप निकाले नहीं पाओगे, इनडिटरमिनेट हो जाएगा। इनडिटरमिनेट मतलब विच कैनॉट बी डिटरमाइंड। जीरो बाय जीरो क्या होगा? मैथमेटिशियन था रामानुजन, नाम सुना आपने? आप लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, नहीं उम्र में आपको करवा रहे हो। देखो उसने ये बोला, जब उसको जब वो फोर्थ क्लास में थे ना, उसके टीचर ने उनके टीचर ने उनको डिवीजन सिखाया, डिवाइड करना सिखाया, बोला कि कोई भी नंबर है ना उसको उसी नंबर से डिवाइड करोगे ना तो आंसर क्या आएगा? तो उन्होंने एक उदाहरण लिया, क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 मैंगो है मेरे पास, तो हर एक बच्चे को कितने मैंगो मिलेंगे? एक मैंगो मिलेगा। उसने बोला, रामानुजन ने बोला टीचर को, सर मान लो क्लास में एक ही बच्चे नहीं है और आपने मैंगो लेके भी नहीं आया, तो तब भी सबको एक एक मैंगो मिल जाएगा क्या? सोचो जरा, मतलब जादू से मैंगो आ जाएगा, मतलब अगले क्लास में जाओ करते एक एक मैंगो आपके सिर पे पड़ा रहेगा। मान लो संडे को एक ही बच्चा क्लास में नहीं गया और टीचर भी मैंगो लेके नहीं आया है ना, तो आप मंडे को जाओगे तो आपके सीट पे एक मैंगो रखा रहेगा। नहीं तो ये मीनिंगलेस है थोड़ा सा ना, इसको नहीं बता पाएंगे क्या होगा आंसर। और इसी आंसर में आपका भी आंसर छुपा हुआ था आर्यन राज। अच्छा वो बोला कि सर जब एक्स को फोर नहीं रख, फोर रख दो कोई दिक्कत नहीं है, तो नीचे भी जीरो हो जाएगा, एक्स को फोर रखोगे तो ऊपर भी जीरो हो जाएगा, जीरो से जीरो कटने वन हो जाएगा, नीचे जीरो हो भी गया तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है ना कि जीरो से जीरो को हम नहीं काट सकते। अगर जीरो से जीरो को काट दोगे ना तो जीरो बाय जीरो का जो कहोगे मैं वो बना दूंगा। फिर क्या बना दो जीरो बाय जीरो को बताओ? टू बना दो, बहुत आसान है। जीरो को मैं जीरो इंटू टू लिख सकता हूँ और नीचे जीरो, जीरो से जीरो कट गया तो टू आ गया। जीरो से जीरो काटना का अलाउ हो गया ना, इसका आंसर कुछ भी आ सकता है, इसीलिए ना इनडिटरमिनेट है, तो यहाँ का थ्री भी बना सकता है उसको, नहीं इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट, ये मीनिंगलेस है, कुछ भी डिवाइड नहीं करेंगे हम, ये मीनिंगलेस है। ठीक है समझ में आ गया? उसको काट क्यों नहीं सकते? काट सकते हैं। कब नहीं काट सकते? जब x 4 हो जाएगा ना, at that point of time इसको नहीं कर सकते, क्योंकि जब x 4 हो जाएगा ऊपर भी 0 हो जाएगा नीचे भी 0 हो जाएगा, तो 0 को 0 से नहीं कर सकते, समझे? तो x को 4 नहीं ले सकते। क्लियर? टाइम हो गया क्या? एक और क्वेश्चन करते हैं कुछ होते हैं। ठीक है, गर्लफ्रेंड का कॉल करो ना, रखूंगा नहीं दिल मम्मी का कॉल आ रहा है, बस क्या कर रहे उसकी मम्मी तो खुश हो जाएगी, पढ़ रहा था बच्चा नहीं fx equal to, अभी एक क्वेश्चन लिखा था, अच्छा नहीं 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 लिखा था, रूट अंडर 16 माइनस x स्क्वायर, इसका ट्राई करो तो एक बार प्रोमेट निकालने का, पूरा लिखना नहीं है वो, बस ऐसे आंसर निकालने की कोशिश करो, वो तुम्हें भी नहीं लिखना, फॉर एफ एक्स टू बी रिफाइल एंड डी
गलत आंसर है, गलत आंसर है, तभी तभी गलत है। सोचो समझो फिर कुछ बोलो। अगर ये आंसर दे दिया तो मैं छोड़ दूंगा फिर, वरना फिर आज पूरे दिन 100-200 मिनट का क्वेश्चन और कराऊंगा फिर अगर गलत हो गया तो। आपने सोच लिया? बोलना नहीं है, मैं भी आपको चेक करने के लिए। आप आंसर लिखो कॉपी पे, मैं चेक करूंगा। अगर नहीं सही हुआ तो 100 क्वेश्चन और कराऊंगा टूर्नामेंट का, सोच लो यही पनिशमेंट रहेगा। वो एक ही बात है, उसका नंबर नहीं काटेंगे। अंडर रूट 16 क्या हो रहा, 4 होगा सर। आंसर तो आ गया सर, आपने शिकायत की नहीं? आ गया आंसर, रूट 18 का प्लेस हो तो 3√2, बस उतना ही छोड़ना पड़ेगा। सर मैंने आपको भेज दिया डोमेन। तभी नहीं होगा, वो भी सही गलत है। एक मिनट, आपने आपने देखो तो सोचा तो सही है, पर आपने सिर्फ नेक्स्ट और नंबर लिया, होल नंबर लिया। हाँ सर ऑल द रियल नंबर्स। हाँ सर, यू ट्राइड वेरी वेल एज वेल कनिष्का, बट देर आर सम नंबर्स मिसिंग इन इट। वेरी मच ट्रू, बट देर आर सम नंबर्स मिसिंग हियर। पता मिसिंग इसलिए हो जा रहा है कि आप लोग सिर्फ नंबर सोचते हो ना, तो 4-5 ही सोचते हो। अरे 4.1 भी तो नंबर होता है यार, 4.2 भी तो नंबर होते हैं। पूरे रियल नंबर के सेट में ना सोचना है। आर्यन आपने भी सही किया है, तनिष्क आपका अप्रोच बहुत सही है सोचने का, बस उसको थोड़ा सा सारे नंबर इन कुछ नंबर मिस हो जा रहे हैं उसमें। तनिष्क का थिंक अगेन। सर एक और भेजो सर। अच्छा देखता हूँ, आ रहा हूँ। ट्राई वन, चलो काफी क्लोज जा रहे हो। तनिष्का का आंसर सही है, ग्रेट वेल डन, आपकी छुट्टी करवा दिया उसने। गुड। हाँ तीन दो बच्चों का आंसर सही आ गया। तुम सोचो ना एक्स को क्या रखोगे भाई, ताकि ये रियल रहे और डिफाइंड रहे। चलो आपने क्या आंसर बोला बताओ, एक्स इक्वल टू नहीं, वो तो फिर देख के बोल रहे हैं, कैसे निकालेंगे बताओ फिर। नहीं आंसर मत बताओ, कैसे निकालेंगे बताओ, मेथड बताओ, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। चलो आप बताओ आंसर क्या। सर मैंने भेजा है सर, एक और बार भेजा है।
चेक करते हैं, बताओ क्या दो ही वैल्यू होगी, तो फोर पे क्या दिक्कत है तेरे को, नीचे थोड़े ना है ये, अगर रूट जीरो भी हो गया तो क्या दिक्कत है, एक्स को फोर भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, माइनस फोर भी रख सकते हैं, कैसे निकालेंगे बताओ ना फिर, ये सारे सही है, तीन बच्चों का सही आंसर आ गया, नहीं नहीं आंसर नहीं बताना, मेथड बताओ जब एक्सप्लेन कर दोगे तब छोड़ देंगे, वरना फिर ये बैठेंगे जीरो। और बताओ क्या बताओगे आंसर, आप बताओ बेटा, वन टू फोर हो सकता है सर, वन टू माइनस फोर टू फोर, सही बता रहे हैं, x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, माइनस फोर और फोर के बीच लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर फोर से बारह ले लोगे ना अगर ये तो क्या हो जाएगा, ये कैसे लिखेंगे, फॉर एफ एक्स, ये तो ऐसे टाइप पास के लिए, फॉर एफ एक्स टू बी रियल एंड जो 16 माइनस एक्स स्क्वायर है ना भाई, वो क्या होना चाहिए, इसे पता चला है तो उसका आंसर चेक पे बोल रहा है, सोच समझा, देखो नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं है, नहीं 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 भी हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं समझ में आया तो गलत बात है ना फिर, हाँ डेटा का इक्वल टू जीरो होना चाहिए, अभी तुमने डोमेन का क्वेश्चन करा दिया, तुम बोले नॉट इक्वल टू, ये क्या मतलब हुआ फिर, नहीं सातवां क्वेश्चन करा रहे हैं अभी, तू वो बात बोल रहा है, तो रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है क्या होनी चाहिए, जीरो भी हो सकता है या जीरो से बड़ा भी हो सकता है, आप सोचो एक्स को क्या सेट करोगे ताकि क्या हो, ये जीरो से बड़ा हो, इसको सॉल्व करने का ट्रिक सिखाता हूं, जिस इतना सोचने में टाइम लग गया ना वो टाइम से बचा दूंगा मैं आपको, इसको सॉल्व करेंगे साइन ग्राफ से, इसको सॉल्व करेंगे साइन ग्राफ, किसका साइन ग्राफ बनाएंगे, इसका साइन ग्राफ, साइन ग्राफ क्या होता है, मतलब इसका साइन पॉजिटिव कब होगा निगेटिव कब होगा, सुन मीडियम कौन पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो भी हो सकता है, क्या जीरो भी होगा तो क्या दिक्कत है, जो रूट के अंदर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट जीरो क्या होगा, जीरो होगा, डिनोमिनेटर में होता तो जीरो नहीं हो सकता था, रूट के अंदर जीरो भी हो सकता है क्योंकि रूट ऊपर है, नीचे रूट रहता तब जीरो नहीं हो सकता था, रूट के अंदर अभी सिर्फ निगेटिव नहीं आना चाहिए, समझे, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अब तुम्हें ये सोचना है कि वो कौन से एक्स की वैल्यू है फॉर विच दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो ऐसे एक्स हिट एंड ट्रायल से सोचने में टाइम लग रहा है, इसका एक और तरीका होता है, क्या तरीका होता है, साइन ग्राफ, साइन ग्राफ क्या बोलता है, पहले इसको फैक्टर कर दो, फैक्टर होंगे इसके क्या होंगे, फैक्टर बताओ, फोर प्लस एक्स इंटू समझे, अब इसका साइन ग्राफ ये चीज इसके इक्वली है, इसको इंटू करोगे तो यही आएगा, अब इसका साइन ग्राफ बनाने का क्या फंडा होता है, पहले नंबर लाइन बनाओ, रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन जानते हो, पढ़ा होगा फिफ्थ क्लास में, अब यहाँ पे उस पॉइंट को लोकेट करो जहां पे हर एक फैक्टर जीरो हो रहा हो, तो ये फैक्टर कहां पे जीरो बनेगा, माइनस ध्यान से समझना, माइनस फोर, और ये फैक्टर प्लस फोर,
और ये नंबर को ऑर्डर में लिखना, जो बड़ा नंबर है वो राइट में रहेगा, जो छोटा नंबर है वो लेफ्ट में रहेगा, नंबर लाइन पे जैसे होता है बस। अब देखो फोर से बारह कोई नंबर रखो इसमें, इस पूरे में, अब बताओ वो पॉजिटिव आएगा या पूरा चीज की नेगेटिव आएगा। फोर से बारह कोई नंबर रखो, हाँ आप सोचते नहीं हो, पता है यही बात है। बी इंटेलिजेंट बट बी काम, यू विल एक्सपीरियंस एवरीथिंग, सब कुछ आपको एक्सपीरियंस होगा। अब ऐसे पकड़ पकड़ करते रहोगे ना तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, है ना। बी इंटेलिजेंट बट बी, आंसर तभी दे दिया इसने। देख लो पहले ना हमारा एटीट्यूड सही होना चाहिए, अप्रोच सही होना चाहिए पढ़ने का। छह महीने में तुम यहाँ पहुंच जाओगे ना, मैथमेटिशियन बन जाओ, मैथ इलेवन ट्वेल्व का मैथ तो कुछ है ही नहीं यार, समझे। हाँ मैं तो टेंथ के बच्चों को भी ट्वेल्थ तक का मैथ पढ़ा रखा है। एक बच्ची है उसके 99.97% आए हैं, उसने इलेवेंथ में ट्वेल्थ तक का मैथ पूरा खत्म कर लिया था, जेई का भी ऑल इंडिया रैंक 328 आया है उसका। ऐसे बच्चे भी है, पर ऐसा नहीं उसमें बहुत ज्यादा है, ध्यान से समझोगे तो कुछ है ही नहीं, सारा बहुत आसान है, समझे। ध्यान से सुनो, अभी के लिए साइन ग्राफ सिखा रहे हैं ना, लेकिन फिर भी सभी लोग साइन ग्राफ दोबारा देंगे तो नहीं बना पाएंगे सभी लोग, क्यों, क्योंकि ध्यान से नहीं सुन रहे इसलिए कि सर ने साइन ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या स्टेप बताया था। बस इसी को ध्यान से सुनना है, साइन ग्राफ बनाने के लिए जो भी चीज है उसको पहले फैक्टर करना पड़ता है, फिर रियल नंबर लाइन बनाओ, फिर उस नंबर लाइन पर नंबर को डालना पड़ता है, कौन सा नंबर को, जहां पे हर एक फैक्टर जीरो बनता है। ये फैक्टर कहां पे जीरो बनेगा, माइनस फोर। ये फैक्टर कहां पे जीरो बनेगा, फोर पे। अब क्या करना होता है, फोर से बड़ा एक नंबर डालो। अब ये पूरा चीज पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। फोर से बड़ा कोई नंबर डालो, फाइव डाल दो, तो फोर प्लस फाइव क्या हो जाएगा, नाइन, ये तो प्लस आ गया। फोर माइनस फाइव माइनस वन, तो नेगेटिव आ गया। प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस फोर, और फोर के बीच कोई नंबर रखो, कोई भी नंबर रखो, जीरो रख लो, सबसे आसान हो जाएगा। फोर प्लस जीरो क्या आएगा, फोर प्लस हो गया। फोर माइनस जीरो, फोर प्लस आ गया। प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस। अब माइनस फोर से छोटा कोई नंबर रखो, माइनस फाइव रख के देखो, माइनस फाइव रखोगे तो क्या आएगा, फोर प्लस माइनस फाइव माइनस वन हो जाएगा, ये तो माइनस आ जाएगा। ये माइनस फाइव डालोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस फाइव, नाइन आ जाएगा। माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये किसका साइन ग्राफ है, साइन ग्राफ है ना, समझ रहे हो, ये वाला साइन, एस साइन कॉस वाला साइन नहीं बोल रहा हूँ, एस आई जी एन, साइन मतलब प्लस माइनस, इसका साइन ग्राफ है। मतलब इसका साइन ग्राफ का मतलब है कि ये चीज कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा, हमें ये पता चल गया। मतलब ये पता चल गया कि ये जो क्वांटिटी है माइनस फोर और फोर के बीच पॉजिटिव होगा, फोर से बड़े नंबर पे नेगेटिव होगा, और माइनस फोर से छोटे नंबर पे भी नेगेटिव होगा, ये आइडिया लग गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये चीज क्या, जीरो से बारह या जीरो भी चलेगा, तो एक्स को क्या रख सकते हैं हम लोग, बताओ तुम। अब ये मत पूछना कि सर ने क्या क्वेश्चन पूछा है, चलो आप बताओ। एग्जैक्टली, माइनस फोर भी रख सकते हैं, क्योंकि माइनस फोर रखोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो भी हो जाएगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बीच कोई भी नंबर रख सकता है, उसके बीच कुछ भी नंबर रखोगे ना, हमने जीरो पर चेक किया ना, तो ये खास बात है कि जीरो के अलावा भी कोई और नंबर रखोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। इसके भी अंदर वन है ना, वन भी रख देते पॉजिटिव ही आएगा, तो माइनस फोर से फोर तक नहीं सकता, दो माइनस, समझे, लिखो, समझा, तो आंसर कब दिया नहीं, नहीं जीरो इक्वल भी आ सकता है। हाँ तो जीरो से बारह कब है, माइनस फोर और फोर के बीच, जीरो कहाँ पे है,
वो गधा है, पता है वो तो दिमाग का इलाज करा पहले तो। हाँ सुनता कम है तू तो। क्वेश्चन कहीं और है, सिग्नल कहीं और कर, कोई और सिग्नल पकड़ लेता है इसमें। नहीं चैनल आप मूवी का लगा रहे हो और ये न्यूज वाला चैनल पकड़ लेता है। नहीं ध्यान से सुनना, सुनोगे ना टफ चीज भी आसान हो जाता है, और ध्यान से नहीं सुनोगे तो आसान चीज भी टफ हो जाता है। चलो फिर लिख लिया इसको। अब आप लोग होमवर्क में पता क्या करोगे, 3.3 आरडी शर्मा का करना है। इसमें रेंज वाले भी क्वेश्चन है, तो रेंज नहीं निकाल के सिर्फ आपको डोमेन निकालना है। होमवर्क में क्या है, 3.3 आरडी शर्मा, सिर्फ डोमेन निकालना है, रेंज नहीं निकालना है। और इसमें एक क्वेश्चन छोड़ देना जो मॉड वाले हैं, जहां पे मॉड दिखे दो ही क्वेश्चन है, मॉड ऐसा साइन दिखे, क्योंकि मॉड के बारे में अभी मैंने नहीं पढ़ाया, रूट वाला पढ़ा दिया, तो मॉड वाले क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब करना है। दो ही क्वेश्चन है मॉड वाले बस, ठीक है। दिमाग का इलाज भी कर देंगे, टेंशन मत लो, तो भी मुझे ठीक करने आता है। कैसे कैसे ठीक करता पता है, दिमाग को ऐसी कमेंट मार मार के फिर सही हो जाओगे बिल्कुल। ओके बच्चों, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बेटा, थैंक यू सो मच सर, यू वेलकम ऑल।